में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं, देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जहां पर लोग डायरेक्ट सेलिंग से कतराते थे, वहीं पर आज सेफ शॉप के साथ लोगों को काम करना उनकी मजबूरी होगी। आइए देखते हैं इस वीडियो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहाँ भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए यहाँ पे, कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा, मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने पढ़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो अपना, सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं, देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान, क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती, होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत, आज तक। तो देखा साथियों आपने इस वीडियो में कि युवा किस प्रकार से डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं है। कारण ये है कि हर युवा पढ़ने के बाद यही सोचता है कि मुझे नौकरी चाहिए। अब इंडिया के अंदर कितनी नौकरियां हैं जिन पर सरकार उनको एस्टेब्लिश कर पाएगी, और यदि नहीं तो उनके पास और कौन से चांसेस हैं? मेरे हिसाब से बेस्ट वे है आपका डायरेक्ट सेलिंग। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए, सेफ शॉप के साथ ज्वाइन करें और अपने ग्रेट अप्लायंस से ट्रेनिंग लें, मेहनत करें और अपने नाम का झंडा गाड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय हो सेफ शॉप।